बिस्मिल्लाह रहमान रहीम, अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं नाज़रीन? उम्मीद करती हूँ आप बिल्कुल खैरियत से होंगे। मेरी दुआ है कि अल्लाह ताला आप अपने घरों में खुशाबाद रहें और तंदुरुस्ती ज़िंदगी से जो है आपकी ज़िंदगी बसर होनी चाहिए। और आज आपकी खिदमत में एक बहुत ही ख़ास वीडियो लेकर आई हूँ। अगर पसंद आए तो लाइक करें, कमेंट्स में अपनी इज़हार का ख्याल रात का इज़हार ज़रूर करें और मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। तो आज मैं जो नुस्खा बताने वाली हूँ वो रंग गोरा करने के लिए हैं और मेरी वीडियो को अंत तक देखना है, सुनना है ताकि आपकी परेशानी ख़त्म हो जाए। तो आइए जानते हैं। चलिए तो नाज़रीन, आज की बहुत ही अच्छी बात से शुरू करूंगी वीडियो। जो तुमसे नहीं हो रहा उसे खुदा के हवाले कर दो, फिर देखो क्या होता है। वो इसी का वसीला बना देगा जो तुम्हारी राह में रुकावट है। तो कितनी खूबसूरत बात है। अगर आप अपनी टेंशन ना लें, अपने चेहरे को खूबसूरत बनाना चाहते हैं तो अपनी टेंशन हरगिज़ नहीं लेनी, डिप्रेशन नहीं होना चाहिए आपको और खुशोखुर में रहना चाहिए। तो आपका चेहरा ऑटोमेटिकली गोरा होना शुरू हो जाएगा और उसके साथ आपने ये चीज़ें इस्तेमाल करनी है जो मैं आज आपको बता रही हूँ। ये रंग गोरा करने के लिए आपने शहद का इस्तेमाल करना है। आपने इसको बहुत सारी चीज़ों में आपने जो है मिला मिलाकर लगाया होगा, मगर मैं लगाने के लिए नहीं, पीने के लिए बताऊँगी। शहद आपका खालिस होना ज़रूरी है ताकि आप किसी ईमानदार बंदे से शहद ले सके। उसके बाद आपने दूध आपका खालिस होना ज़रूरी है, जो कि दूध आप देख रहे हैं, दूध जो है आपके घर में खालिस आता ही होगा ज़रूर। तो ये दूध आपने इस्तेमाल करना है, डब्बे का दूध इस्तेमाल नहीं करना। गाय का या भैंस का दूध आप इस्तेमाल कर सकते हैं, बकरी का दूध भी आप ले सकते हैं, मगर पीने के लिए। तो इसका इस्तेमाल आप अपने कैसे करना है कि इन दोनों चीज़ों को आपने, दूध को पहले आपने गर्म कर लेना है। गर्म करने के बाद इसका जब उबाल आ जाए तो इसको आपने छान कर दूध का इस्तेमाल करना है, मलाई वाला दूध इस्तेमाल नहीं करना। आपने क्या करना, एक चम्मच आपने शहद और एक गिलास दूध, आप दो चम्मच भी इस्तेमाल कर सकते हैं शहद के, तो आप इसको दूध में मिला कर रखें। एक से डेढ़ घंटे तक, यानी कि आपने ये जो है खाना खाने से, यानी कि एक से डेढ़ घंटे के बाद आपने इस दूध का इस्तेमाल करना है। कम से कम आपने ये 3 महीने तक आपने मेरा नुस्खा इस्तेमाल करना है और रात को आपने पीना है और सुबह को आपने इस्तेमाल नहीं करना। रात को पीकर आपने सो जाना है और खाना खाने के आपने जल्दी उसी वक्त दूध नहीं पीना जैसे आप सोने लगें, उससे जो है खाना खाने के एक डेढ़ घंटे के बाद आपने जो है इस नुस्खे का इस्तेमाल करना है जो मैंने आपको बताया, ताकि आपको फ़ायदा हो जाएगा, आपका खाना भी हज़म हुआ होगा और आपका ये नुस्खा जो है बहुत अच्छा फ़ायदा देगा, कारामद है। बहुत तजर्बे से गुजरा नुस्खा मैंने आज आपको बताया। अगर आप 2-3 महीने इसी तरह रोज़ाना पीकर सोते हैं तो आप यकीन जाने आपको कोई क्रीम कोई चीज़ लगाने की ज़रूरत पेश इंशाल्लाह नहीं आएगी। बहुत ही मेरा आजमूदा नुस्खा है, आप इस्तेमाल कीजिएगा तो आपके लिए बहुत ही बेस्ट है और आपका जो खून साफ़ होगा, आपका जो है कमज़ोरी दूर होगी, आपकी जो है बहुत ज़्यादा नज़र जिसकी कमज़ोर है वो दूर है, यानी कि हज़ार हाँ बीमारियाँ आपको इस नुस्खे से दूर होंगी। आप इस्तेमाल करके देखिएगा। तो विज़िट करें मेरी वेबसाइट है bajiparveen.com। इंशाल्लाह ताला फिर मिलते हैं अगली वीडियो में, खास लेकर आऊँगी, ज़रूर देखिएगा, मेरे साथ रहिएगा, घर बैठे ही बीमारियों को दूर कीजिएगा। अल्लाह हाफिज़।